कुछ छुट्टे दे सकते हो। ओह माय गॉड, तुमने मुझे छुआ? तुम्हें पता भी है मुझे इसे धोना पड़ेगा। जानते हो कितना खर्चा होता है? हाँ, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो बेघर हो। ठीक है, बहुत हुआ। जरा सुनिए, उसकी बात पर ध्यान मत दो। काश मेरे पास और होते हैं। मुझे हफ्ते भर में भी इतने पैसे नहीं मिलते। अब तो मैं लंच और डिनर भी खा सकता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। गॉड ब्लेस यू। ख्याल रखिए। हाँ, प्लीज मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं तो। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट? ये सही है जैसे कि मुझे यकीन होगा। मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगी, क्या करूं? ये लीजिए मैम, उम्मीद है इतने पैसों में आपका आना जाना हो जाएगा। आप नहीं जानते कि ये कितना मायने रखता है। उम्मीद है आपकी अपॉइंटमेंट सही हो। शुक्रिया, आप एक फरिश्ते हो। मॉम, इतनी देर क्यों हो रही है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक सेकंड रुको बेटा, बस देख रही हूँ। कितना टोटल बताया आपने? 984। क्या आपके पास इससे छोटी बॉटल है इसकी? चलो भी, आगे लाइन बढ़ेगी या नहीं? मैम, आप पे नहीं कर सकती तो हट जाइए ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। मैं समझ सकती हूं, पर मेरे बेटे को ये दवाई चाहिए क्योंकि वो बहुत बीमार है। सुनिए, क्या आप मुझे बस $5 उधार दे सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सुनो, मुझे इसके पैसे देने हैं या नहीं, वरना मैं जा रही हूँ। जी दीजिए, छुट्टे रख लो प्लीज। माफ कर देना बेटा, पर अभी मैं तुम्हारी दवा नहीं ले सकती। ठीक है, फिर मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ? तुम ठीक हो जाओगे। ये लो, इससे मदद होगी। आप सच कह रहे हैं? मतलब हाँ, इससे मदद होगी, लेकिन आप इससे अपना खाना ले सकते हैं? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। प्लीज ले लो इसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी होगी, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाओगे। थैंक यू कहो बेटा। थैंक यू। ये रहे छुट्टे। शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। हाँ, शुक्रिया। ठीक है, ओके, या हे, लगता है तुम्हें अच्छा खाना मिलने वाला है। नहीं हैंक, तुमने पहले ही बहुत मैं कह रहा हूँ ना, ये लो, ये तुम्हारा है। लेकिन तुम भी तो भूखे होगे। कोई बात नहीं, मुझे खाना मिल जाएगा, हमेशा मिलता है। हे, समझ में नहीं आ रहा है, आप कह रहे थे आपको पैसे चाहिए थे खाने के लिए, लेकिन आप तो दूसरों को खिला रहे हैं। माफ करना, तुम गुस्सा तो नहीं हुए? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस जाना था, आपने ऐसे क्यों किया? शायद मेरे पास ज्यादा ना हो, लेकिन हमेशा किसी और के पास मुझसे कम होता है। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि दुनिया में तुम जो दया दिखाते हो वो लौट कर तुम्हारे पास आती है। ओह, अच्छी बात है, मुझे जान के अच्छा लगा। वैसे मेरा नाम क्रिस है। ओह, मैं हैंक हूँ। शायद तुम मुझसे हाथ ना मिलाओ। हाँ, कोई बात नहीं। ओह, मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। काश मेरे पास और पैसे होते देने के लिए, जिससे आप और खाना खरीद सकते। मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम्हारे $15 ने कितनों की मदद कर दी। हैंक, मुझे थोड़ा खाना मिल गया। एक भले आदमी ने ड्राइव थ्रू में मेरे लिए 2 बर्गर ऑर्डर किए, तो मैंने सोचा एक तुम्हें देती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। शुक्रिया वेंडी। देखा क्रिस, कहा था ना मेरा काम हो जाएगा, वो हमेशा हो जाता है। ये बहुत अच्छा है। तुम्हें एक चाहिए? जी नहीं, पूछने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे अब कहीं जाना होगा, तो दोनों से मिलकर अच्छा लगा, मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा क्रिस।
उम्मीद है ये बढ़िया होगा। थैंक यू वेंडी। तो हम खाना खाएं? बेटा। ओह, माफ करना मॉम। मैं बस उस बेघर आदमी के बारे में सोच रहा था। वैसा अच्छा इंसान था। आप यकीन नहीं करोगी, मैंने उसे खाने के लिए $15 दिए थे। उसके पास सिवाय कुछ सिक्कों के कुछ भी नहीं था। उसके कपड़े मैले भी थे। शायद वो कई दिनों से नहाया भी नहीं होगा। पता है उसने क्या किया? मेरे दिए हुए पैसे उसने दूसरे पर खर्च किए और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। मैं चौंक गया। मतलब ऐसा कौन कर सकता है? मॉम अब ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने अभी जो कहा उससे कुछ यादें ताजा हो गई। आपने जिसकी मदद की उसने भी ऐसा किया? नहीं, किसी ने मेरी मदद की। एक बेघर शख्स ने आपकी मदद की? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। मैंने तुम्हें ये सब कभी नहीं बताया, लेकिन जब तुम बहुत छोटे थे तब एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम बेघर हो गए थे। देखो, परिवार शुरू करना मेरा हमेशा से ख्वाब था, लेकिन तुम्हारे पापा, उन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे। तो जब उन्हें पता चला तुम मेरे पेट में हो, उन्होंने तुम्हें गोद देने का सोचा। मैं ना मानी तो वो छोड़कर चले गए। ये काम था कि जब तुम पैदा हुए तो मुझे काम पर लौटने के लिए वक्त था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे आने तक रुक नहीं सकते और उन्होंने मुझे निकाल दिया। इसके साथ ही मेरे बिल बाकी रह गए। मेरा कोई इनकम सोर्स ही नहीं रहा, तो मेरे पास कार में सोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। मुझे याद है एक दिन हालात इतने बदतर हुए, मुझे पता ही नहीं था दो वक्त का खाना कहां से लाऊं। लेकिन तब एक नेक शख्स ने मेरी मदद की और मुझे तब तक मदद करता रहा जब तक मैं दोबारा काबिल नहीं बन। तो देखा, तुम्हारे जन्म के कुछ महीनों बाद हम भी बेघर हो गए। क्यों मॉम, आज तक आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? हाँ, वैसे ये बहुत पुरानी बात है। शुक्र है हमारे हालात ज्यादा दिन वैसे नहीं रहे, लेकिन उन लोगों के बारे में सोचकर बुरा लगता है जो अभी भी वहीं हैं, खासकर ये जानकर कि वहां बहुत अच्छे लोग भी हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? अब बस बचा हुआ खाना फेंक रहा हूँ क्योंकि अब कोई खाएगा नहीं। आपको और चाहिए क्या? नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हैंक, तुम्हारे पास $1 तो होगा है ना? मुझे पानी चाहिए था। अरे यार, मेरे पास $1 था लेकिन मैंने उस बच्चे को दे दिया जिसे उसकी जरूरत थी। माफ करना। कोई बात नहीं। क्रिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना फिर मिलेंगे, और इस बार मैं तैयारी के साथ आया हूँ। उम्मीद है इससे मदद हो जाए। नहीं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। देखो वो क्या लेकर आया है। मुझे यही तो चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी हुई। दरअसल हैंक, मैंने तुम्हारे बारे में किसी को बताया था, मेरी मॉम को। आराम से। मैं ये नहीं हो सकता। तुम वही हो जिसने मेरी मदद की थी जब हम बेघर थे। मैंने की थी? इन्होंने की थी? तुम्हारा नाम हैंक है ना? तुम नहीं समझो कि तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं जिंदगी के सबसे कमजोर पड़ाव पर थी और तुमने मुझे उभरने में मदद की। वाओ, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मुझे हमेशा अच्छा लगता है
मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ वो अरसे बाद मिलते हैं और अच्छे से जीने लगते हैं। सच कहूँ तो मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ कई बार आई हूँ, लेकिन अभी पता चला कि तुम इसी सड़क के किनारे हो। सोचा ही नहीं था कि तुम यहीं होगे। वैसे मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था और अब मेरी उम्र भी नहीं रही है, शायद मेरे लिए बहुत देर हो गई है। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा खाना होगा क्या? देखो तो हैंक। ओ हाँ है ना, रुको जरा। तुम्हारा नसीब कुछ और होता अगर तुम तुम्हारे पास का सब कुछ किसी और को नहीं देते। सच कहा, लेकिन मैं मैनेज कर लेता हूँ तुम जैसे अच्छे लोगों की बदौलत। वैसे तुम हमारे घर पर रहने क्यों नहीं आते? मेरे घर पर बहुत सारे एक्स्ट्रा बेडरूम्स हैं। नहीं, ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम पहले ही बहुत ज्यादा कर चुकी हो, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। तुम कभी बोझ नहीं बनोगे, मैं सीरियस हूँ। और इसी बहाने आखिरकार तुम्हारा कर्ज चुकाने का मौका भी मिल जाएगा मुझे। मॉम बिल्कुल सही कह रही है, आप हमारे साथ चलिए हैंक, मतलब आप शायद हम पर एहसान करेंगे आगे। हाँ। क्योंकि किसी बुद्धिमान ने सही कहा था कि अगर तुम इस दुनिया में दया करते हो तो वो लौट कर तुम्हारे पास जरूर आएगी, जब उसे सही तरीके से करते हो। बहुत अच्छे, चलो अब ठंड में ठिठुर ना मारो, आओ चलते हैं।